समुद्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आता है और राहुल की नाव डूब जाती है। उन्हें समुद्री लुटेरे बंधक बना लेते हैं और अपनी नाव पर ले आते हैं। तो राहुल उनसे कहता है कि तुम हमें छोड़ दो। तो समुद्री लुटेरे कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए झिलमिल पहाड़ियों में से खजाने को ले आते हो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो यहाँ पर राहुल हाँ भर देता है, लेकिन यहाँ पर समुद्री लुटेरे कहते हैं कि हम तुम तीनों में से सिर्फ दो को ही आइलैंड पर छोड़ेंगे, एक को हमारे पास ही बंधक रखेंगे ताकि तुम हमें धोखा ना दो। तो यहाँ पर राहुल उनकी बात मान लेता है। समुद्री लुटेरे उन्हें बताते हैं कि आइलैंड पर एक जादुई बुढ़िया रहती है, उसी के पास तुम्हें खजाने का नक्शा मिलेगा। समुद्री लुटेरे राहुल और ललिता को वहाँ पर आइलैंड पर छोड़ देते हैं और रिया को वहीं पर ही बंधक रख लेते हैं। जैसे ही राहुल और ललिता उस आइलैंड पर उतरते हैं और थोड़े ही आगे जाते हैं तो वहाँ के आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं और एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं। वहाँ पर राहुल को समझ में नहीं आता है कि इस गुफा से बाहर कैसे निकला जाए। तभी वहाँ पर ललिता को तीन दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है, अगर वह उस दरवाजे से जाते हैं तो वह पत्थर उन पर गिर सकता है और वह मर भी सकते हैं। और दूसरे दरवाजे के पीछे अंधेरा ही अंधेरा है, तो उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और वहाँ पर तीसरे दरवाजे के पीछे एक खतरनाक ज़ोंबी है, अगर वह उस रास्ते से जाते हैं तो वह ज़ोंबी उन्हें खा सकता है। क्या दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि राहुल और ललिता कौन सा दरवाज़ा चुनेंगे कि उनकी जान बच जाए? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि राहुल और ललिता कौन सा वाला दरवाज़ा चुनेंगे? तो यहाँ पर राहुल और ललिता सबसे पहले ज़ोंबी वाले दरवाजे के सामने जाते हैं। उन्हें देखकर ज़ोंबी जैसे ही बाहर आता है, उससे पहले वे दूसरे वाले दरवाजे के अंधेरे में छुप जाते हैं। ज़ोंबी सोचता है कि वह पहले वाले दरवाजे में गए हैं, तो वह पहले वाले दरवाजे में चला जाता है और उसके ऊपर वह पत्थर गिर जाता है और ज़ोंबी वहाँ पर मर जाता है। और अब यहाँ पर राहुल और ललिता तीसरे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर आप इस पहेली का सही जवाब दे पाए थे? अगर दे पाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब राहुल और ललिता आगे चले जाते हैं तो उन्हें आगे एक झोपड़ी दिखाई देती है, तो वह तुरंत से उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। तो उस झोपड़ी के अंदर वह देखते हैं कि एक जादुई बुढ़िया है। राहुल वहाँ पर तुरंत से समझ जाता है कि यह वही बुढ़िया है जिसके पास खजाने का नक्शा है। बुढ़िया उन्हें देखकर गुस्सा हो जाती है और उन्हें पिंजरे में बंद कर देती है और उनसे पूछती है कि तुम मेरे टापू पर क्या लेने आए हो। तो राहुल उससे कहता है कि हमें खजाने का नक्शा चाहिए। तो बुढ़िया कहती है कि मैं तुम्हें खजाने का नक्शा तभी दूंगी अगर तुम मेरी पहेली का जवाब देते हो। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाते हो तो मैं तुम्हें यहीं बंधक बना के रखूंगी। तो यहाँ पर बुढ़िया राहुल से पूछती है कि रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ। क्या दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आप इस पहेली का सही जवाब दे पाए? अगर दे पाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लेकिन यहाँ पर राहुल इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाता है और वह बुढ़िया अपनी जादुई शक्ति से उसे पत्थर बना देती है। अब बुढ़िया ललिता से पूछती है, एक राजा को संतान प्राप्ति हुई, वह इस खुशी में अपने तीन कैदियों की सजा आधी करना चाहता है। तो उसके पहले कैदी की सजा 6 साल की है तो वह उसे 3 साल कर देता है और दूसरे कैदी की सजा 4 महीने की है तो वह उसे 2 महीने कर देता है। लेकिन तीसरे कैदी की सजा उम्र कैद है तो उसकी आधी सजा क्या होगी? राजा को यह समझ में नहीं आता है। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि तीसरे कैदी की आधी सजा क्या होनी चाहिए? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आप बता पाए कि तीसरे वाले कैदी की सजा क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर ललिता समझदारी दिखाती है और वह बुढ़िया को बता देती है कि तीसरे वाले कैदी की सजा क्या होनी चाहिए। वह बुढ़िया से कहती है कि राजा उसे एक दिन जेल के बाहर रखेगा और एक दिन जेल के अंदर, इस तरह से उसकी आधी सजा माफ हो जाएगी। ललिता बुढ़िया की पहेली का सही जवाब दे देती है तो वहाँ पर बुढ़िया ललिता से खुश हो जाती है और उसे खजाने का नक्शा दे देती है। ललिता खजाने के नक्शे को लेकर आगे निकल जाती है। जैसे ही वह एक पुलिया के ऊपर जाकर खड़ी होती है तभी उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है।
जैसे ही वह दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ एक एलियन आ जाता है जिसके कि हाथ में एक गन है जिससे कि वह किसी को भी मार सकता है। वह जैसे ही नदी में बचने के लिए छलांग लगाने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि नदी के अंदर मगरमच्छ हैं जो कि उसे खा सकते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ललिता यहाँ से कैसे बचेगी? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि ललिता यहाँ से कैसे बचेगी? तो इसका सही जवाब आप ही को ही देना होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में बहुत सारे सस्पेंस है, राहुल का क्या हुआ और ललिता कैसे रिया को बचाएगी, सारी चीज़ें अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले और कमाल के वीडियो में।